यूपी के सरकारी स्कूल अपनी खराब शिक्षा व्यवस्था के चलते अक्सर बदनाम रहते हैं, लेकिन आज हम आपको यूपी के सरकारी स्कूल की चार ऐसी गूगल गर्ल्स से मिलवाएंगे जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि सरकारी स्कूलों को जितना बदनाम किया जाता है असल जिंदगी में वैसा बिल्कुल नहीं है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि उड़ीसा की राजधानी क्या है तो ये सुनकर आप एक बार के लिए शायद सोचने पर मजबूर हो जाए, लेकिन जब हमने यही सवाल यूपी के सरकारी स्कूल की अंशिका मिश्रा से पूछा तो उसका दिमाग मानो गूगल की तरह दौड़ने लगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा में कितने जिले हैं? 30। बताओ। अंगुल, बलगी, बालासोर, बरगढ़, बोधर, कटक, देवगढ़, ढेंगनाल, गजपतगंज, जमजा, सिंहपुर, जाजपुर, जसोड़ा, कालांडी, कंधमाल, केंद्रपाड़ा, केजीजा, कोरता, कोरापुट, मेहरबन, नुआपाड़ा, रायगढ़, संबलपुर, सूर्यगढ़, सुंदरगढ़, पूरी, नयागढ़। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ? भोपाल। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 51। बताओ। आगरा, इलाहाबाद, अनूपपुर, असमगढ़, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, राजनांद, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, छतरपुर, शिवपुर, शिवपुरी, सीधी, चंगोली, टीकमगढ़, जनमनिया, विदिशा। इतना ही नहीं, इस स्कूल की बच्ची बबली से जब एशिया महाद्वीप के देशों के नाम पूछे गए तो उसने भी बिना रुके एक साथ सभी देशों के नाम बोल डाले, मानो उसके दिमाग में पूरी दुनिया का मैप बना हो। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 48। आपको आता है सबके नाम? जी। सुनाइए। जान के बाकू बांस पुलार में ये कहले वान नॉन से कुताई रात के बाद बिशन के दास कल मान कर मुझसे जाके सुनने स्थाना कतार के दो आग मुझे के ना पहनते जीस कुबेर के कुबेर सीते तुझे कोई फिर ज्ञान दच्छो को सीओ तीन कर दी कले से जबान के दो फिर दुनिया के निमल से जलंग बार तक जान के सामे तो कोई गांव रात बिखने गांव मैं पाल के वाला नूपली बिखने मैं ना वाले इनके वाला मां बंगलादेश के दाका बनने को निश्चय ये भगवान बार के नहीं मुमाइ सुराम दौल मालिक में माले ने पाल के ने पीड़ा ने मन के सामना रूस के मां इसके बाद जब इस बच्चे से यूपी में मौजूद कुल जिलों का नाम पूछा गया तब भी एक बार न रुकी। और उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। आपको आते हैं सबके नाम? हाँ। सुनाइए। सांपुर, सामी, उजापुर, बागपत, मेरठ, जोड़ गजाबाद, दापुर, अमरोहा, जिले में मुलंसर, सांबा, रामपुर, दाई, बरेली, पीलीभीत, तेलीगाबाद, चौहान, कालगंज, फिरोजाबाद, सुजापुर, आगरा, फिरोजाबाद, देता, मेनपुरी, ताकुर, नौजर, दस, दापुर, बराई, सरावस्ती, औरैया, जालौन, काफदात, काफी, नालक, जुगौंदा, रामपुर, सियालपुर, मीरपुर, बांदापतिपुर, दाई, बरेली, मेदीपुर, जावाद, अस्ती, मोहब्बत, चिरगुकुस, ताकुर, सुजापुर, मेघमा, संगदी, आज के नीला, बांदोर, बूढ़ा, जमगढ़, गोरखपुर, मिर्जापुर, संगविधान, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, चंदौली, बलिया। केवल एक विषय नहीं बल्कि हर विषय में इन बच्चियों का दिमाग मानो कौटिल्य की तरह चलता है। इन बच्चियों से बात करते हुए ये पता लगा कि इन्हें गणित का भी पूरा ज्ञान है। यहाँ की एक छात्रा सुप्रिया को सोतक पहाड़े याद है और वो पहाड़े ऐसे सुनाती है कि जैसे उसके दिमाग में कैलकुलेटर फिट हो। अब इस चौथी बच्चों से मिलिए जो उम्र में सबसे कम है लेकिन इसका दिमाग किसी से कम नहीं। जिलासम कदी सु ब्याहत कर पड़ा जात के गाजी ने ले आला के चंडीगढ़ कैस के शिमला जम्मू विशेष के कर्नाटक के बेंगलोर के कसम नक्के एस के भोपाल महाराज के बम्बई। अब हम आपको इन बच्चियों के टीचर से मिलवाते हैं और उनसे इन बच्चियों के बारे में और जानकारी लेते हैं। अभी अंशिका मिश्रा जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड जीत चुकी है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उसको ग्रैंड मास्टर के लिए चुना है
वो जो है काफी प्रतिभावान छात्रा है, हमारी ही लड़की है, वो हमारे सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है। भारत के सभी जिलों का नाम 6 मिनट 26 सेकंड में सुनाकर उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, और उसके अलावा भी उसे स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत के सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण दिवस तिथियां हैं वो, और विश्व में छोटा बड़ा एशिया महाद्वीप के जो 48 देश हैं उनका नाम, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, उनके क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें उस अंशिका को बेहद बृहद रूप में तैयार है, और ये हमारे स्कूल की आइकान लड़की है। इसके अलावा जो है, और कितने साल की अंशिका जो है 8 साल की लड़की है, इसकी उम्र 8 साल है और ये कक्षा 4 में पढ़ती है। तो सुना आपने, क्या ये बच्चियां गूगल बाबा से कम है? क्या इतना ज्ञान एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को दिया जाता है जहां की फीस आसमान को छूती है?